हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जी हाँ कौन से हैं वो की स्किल या सॉफ्ट स्किल जिनको आपको आपके रिज्यूमे में मेंशन करना है कैसे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पता लगाएंगे उनको पिक करेंगे और अपने रिज्यूमे में लिस्ट करेंगे तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में रेज्यूमे में सॉफ्ट स्किल को मेंशन करने के पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सॉफ्ट स्किल होते क्या हैं। तो सॉफ्ट स्किल होते हैं सेट ऑफ पर्सनल ट्रेड दैट आर ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड दैट अलाउ यू टू वर्क इफेक्टिवली इन अ ग्रुप अगर बारीकी से समझा जाए तो हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होते हैं टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो आप सीख सकते हैं पर सॉफ्ट स्किल्स को आप सीख नहीं सकते हैं इनको ये जो होते हैं ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपके पर्सनालिटी के जो टॉप सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आजकल इंप्लॉयज ढूंढते हैं अपने एम्प्लॉयज में वो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम वर्क कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ऐसे खास स्किल्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स की गिनती में आते हैं हमेशा आपको आपकी राइट सॉफ्ट स्किल्स को हाईलाइट करना चाहिए आपके रेज्यूमे में और आपका रेज्यूमे उसी हिसाब से टेलर करना चाहिए आपके जो सॉफ्ट स्किल हैं उनको आपको आपके कवर लेटर में भी मेंशन जरूर करना चाहिए हर एक जॉब पोजीशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो स्किल्स आपको अपने रिज्यूमे में पुट अप करना है वो हर एक पोजीशन के लिए अलग होंगे इसीलिए ये कहा जाता है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं आपके रिज्यूमे में और इसीलिए आपको उनको हमेशा टेलर करके लिखना चाहिए यहां इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने बेस्ट सॉफ्ट स्किल को चूज कर सकते हैं सिक्स सिंपल स्टेप्स के माध्यम से फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई व्हाट सॉफ्ट स्किल एम्प्लॉयर्स वांट यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एम्प्लॉयर्स को किस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है और ये बहुत इजी है यहाँ पर आपको जॉब ऑफर जो पोस्ट किया गया है उसमें जो भी स्किल्स दी हुई हैं उसको आप ध्यान से देखें क्योंकि यही वो स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉई में ढूंढ रहा है सेकेंड स्टेप इज मेक मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल योर सॉफ्ट स्किल ये आपको बहुत फायदेमंद लगेगी जब आप अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आप पजस करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर पहले से तैयार रखें फिर जिस भी जॉब हिसाब से जॉब की पोस्टिंग के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से अपने रेज्यूमे में उन सॉफ्ट स्किल्स को टेलर करके मैंशन कर दें। थर्ड स्टेप इज कंपेयर योर लिस्ट टू दी जॉब ऑफर यहाँ पर सारे गुणों की खान में सलमान खान बनने की कोशिश ना करें यहाँ पर जो भी राइट सॉफ्ट स्किल है उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद ही आप उसको रिज्यूमे में पुट अप करें ऐसा नहीं है कि आपको हर एक स्किल में पारंगत होना जरूरी है उन स्किल्स पर फोकस कीजिए जिसमें आप वाकई में अच्छे हैं बाकी सारी चीजों को भूल जाइए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज द रेज्यूमे एक्सपीरियंस सेक्शन टू शो योर सॉफ्ट स्किल्स यहां पर जिनको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सेक्शन में अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं जो फ्रेशर्स है वो अचीवमेंट्स और अकंप्लिशमेंट वाले सेक्शन में या फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन में अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं ट्रिक ये है कि आप अपने रेज्यूमे एक्सपीरियंस या अचीवमेंट अकंप्लिशमेंट या फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए जहां पर वो ज्यादा पावरफुल लगेंगे और आप उनको अच्छी तरीके से क्वांटिफाई कर पाएंगे ऑलवेज रिमेंबर टू हाईलाइट और पुट योर सॉफ्ट स्किल इन योर रेज्यूमेर प्रोफाइल जहां पर जिस भी सॉफ्ट स्किल की जरूरत आपको जॉब प्रोफाइल के हिसाब से लग रही है वहां पर करियर ऑब्जेक्टिव समरी स्टेटमेंट में अपने उन सॉफ्ट स्किल्स को जरूर हाईलाइट करें रिज्यूमे में जैसे आप टेक्निकल स्किल्स के बारे में मेंशन करते हैं ठीक उसी तरीके से पर्सनल एटीब्यूट या सॉफ्ट स्किल को भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर यू हैव टू लिस्ट योर सॉफ्ट स्किल्स इन द डेडिकेटेड स्किल्स सेक्शन इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को एक अच्छे मैनर में पुटअप करना पड़ेगा रेज्यूमे सेक्शन में और उसको आप लेबल करके लिख सकते हैं स्किल सेक्शन Now here is an example for you. This I have mentioned in my resume. So you have to highlight the soft skills in your resume objective. So the example can be with a passion and zeal to connect easily with audience and make the session interactive are my key asset as a trainer. My ability to learn, share and implement my skills along with people skill shaped me up as a soft skill and communication trainer. So here you can see. I have many क्टिव में मेंशन किया है जहां से यह पता चलता है कि आई एम अ ट्रेन सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनर एंड आई डू पजेस फॉलोइंग एटीट्यूड ठीक इसी तरीके से आप भी अपने की स्किल को मेंशन कर सकते हैं हाईलाइट कर सकते हैं नाउ एन एडिशनल टिप

तो ये था आज का वीडियो कि कैसे आप अपने सॉफ्ट स्किल को पहचानेंगे और अपने रिज्यूमे में लिस्ट डाउन करेंगे अब आपके लिए है एक असाइनमेंट आप ड्राफ्ट कीजिए अपना रिज्यूमे वहां पर हाईलाइट कीजिए अपने सॉफ्ट स्किल को और अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय